नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सरार और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बुलंदशहर के जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने चोरों के कब्जे से चोरी के रुपए बरामद किए हैं। हालांकि चौंकाने वाला मामला सामने आया है। चोरी हुई 30 लाख रुपए की मामले की जांच कर रही थी, उसकी बरामदी के लिए लगी हुई थी पुलिस को। आरोपी के कब्जे से 30 लाख की जगह आरोपी के कब्जे से 1,21,00,000 रुपए की रकम बरामद हुई है। नकदी स्रोत के बारे में जानकारी के लिए पुलिस टीम को गाजियाबाद भेजा जा रहा है। पुलिस अधिकारी नकदी चोरी को जगह को लेकर भी आशंकित है। 29 नवंबर 2022 को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अमरपाली ग्रीन निवासी ए वी सूर्य शुभाराम ने जहांगीराबाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह अपने चालक रंजीत सिंह निवासी जहांगीराबाद के साथ अपनी कार से निजी काम से जहांगीराबाद आए हुए थे। इस दौरान नाश्ता करने के लिए एक ढाबे पर रुक गए थे, तभी कार के अंदर से 30 लाख रुपए से भरा बैग गायब हो गया। इस पर जब चालक रंजीत से बैग में नकदी रखी हुई थी इसे लेकर बात की गई तो उसने अपने भाई से बातचीत करके कुछ दिन रुपए वापस करने का आश्वासन दिया था। पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी रंजीत, उसके भाई नेमपाल सहित 6 आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि मुकदमा में 30 लाख रुपए लिखाई गई थी लेकिन पुलिस को मौके से 1,21,00,000 रुपए बरामद हुए हैं। चोरी मामले में इसे झोल को देख पुलिस मामले को तह तक पहुंचना चाहती है। आखिर वास्तव में नकदी से भरे बैग की चोरी कहां से हुई थी, वास्तव चोरी हुई रकम कितनी थी, पीड़ित ने इतनी रकम क्यों लिखाई थी, रकम कहां से कहां। शुक्रवार को एसएसपी के निर्देश पर एक पुलिस टीम को गाजियाबाद भेजा गया है। ये थाना जहांगीराबाद में एक व्यवसायी द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उसके गाड़ी में रखे हुए 30 लाख रुपए उसके ड्राइवर व उसके भाई व एक अन्य व्यक्ति द्वारा चुरा लिए गए हैं। इस संबंध में थाना जहांगीराबाद की पुलिस और एसओजी को लगाया गया था। उनके द्वारा इस तफ्तीश में कुल 6 लोगों को पकड़ा गया जिनके पास से 1,12,00,000 रुपए कैश रिकवर हुए हैं। और साथ ही साथ ये बात भी प्रकाश में आई कि उनमें से एक व्यक्ति ने अपने 2 रिश्तेदारों को 4,50,00,000 रुपए कैश ट्रांसफ़र किए हैं, अर्थात कुल मिलाकर 1,21,00,000 रुपए के करीब इनके पास से यह बरामदगी हुई है, जिसमें कुछ कैश है और कुछ बैंक अकाउंट में है। जो बैंक अकाउंट में पैसा है उसको फ्रीज करने के लिए पत्राचार किया जा रहा है। ये जो रिकवरी हुई है इस संबंध में पूछताछ में इन लोगों ने ये बताया कि वो बैग जब इन लोगों ने ये ले गए थे तो उसको फिर ये अपने घर में गाड़ दिए थे, उसमें कितने पैसे थे इनके द्वारा नहीं गिना गया। साथ ही साथ यह बात भी इनके द्वारा बताई गई कि एक मकान में इन लोगों ने चोरी भी करी थी जिसमें कि इनको कुछ पैसे मिले थे, वो भी क्या टोटल अमाउंट था उसकी इनको जानकारी नहीं थी। बरामदगी जो इनके पास से हुई है वो अभी लगभग 1,20,00,000 रुपए की हुई है। इस संबंध में हम लोग इनसे विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं और अन्य एजेंसियों से भी इसमें पत्राचार किया जा रहा है ताकि वो भी इस प्रकरण को पूरी तरीके से देखें। कैश का सोर्स क्या था इस संबंध में गहनता से विवेचना इसमें सुनिश्चित की जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई